बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली और सऊदी अरब के हवाले से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। तो आज हम बात करेंगे उस अपडेट के बारे में कि वो अपडेट है क्या। तो वो अपडेट उन लोगों के लिए है जो मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या सोशल मीडिया नेटवर्क जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूट्यूब वगैरह भी आ जाता है। तो जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसके हवाले से एक अपडेट आई है। वो अपडेट ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है तो उसके ऊपर आपको सज़ा भी हो सकती है, आपको मुल्क से निकाला भी जा सकता है और आपके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो आगे बढ़कर हम उसकी तफसीलात जानते हैं। तो उससे पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे नए आए हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आगे बढ़कर हम उसकी तफसीलात जानते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी पोस्ट जो है जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, अगर आप वो शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के कानून के ख़िलाफ़ आता है, कानून के ज़मरे में आता है, तो कानूनन जो है वो आपको सज़ा दे सकते हैं, आपको जुर्माना कर सकते हैं, आपको अपने मुल्क से निकाल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में अगर आप ऐसा करते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात, कोई पोस्ट या कुछ भी कहते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नोटिसबल नहीं होता। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में मुकीम हैं आप, और अगर आप गैर मुल्की हैं तो गैर मुल्की के लिए उन्होंने ये खसूसन ये ऐलान किया है कि अगर आप कोई भी चीज़ जो है सो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ये समझें कि मैं फेक आईडी है और आपसे उसे शेयर करें तो वो साइबर के ज़रिए आप तक पहुंच जाएंगे और जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ऐसी हरकतों से, ऐसी पोस्ट शेयर करने से, लाइक करने से या उनके ऊपर कमेंट करने से परहेज़ करें। दोस्तों उम्मीद है आप इसका एहतियात करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।